नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशम प्रणाम दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को प्रभुपाद जी ने बताए, तर्को पथ जो है, तर्कों का रास्ता जो है, तर्क वितर्क की जो रास्ता है, इस रास्ता में चलना शुरू कर दो जो कभी भी गुरु वैष्णवों का दर्शन नहीं होता। तर्क पंथा से अप्राकृत विषय वस्तु अंतर्हित हो जाता है। तर्क ऐसा एक विषय है जो अप्राकृत जगत में जिसका कोई प्रवेश अधिकार बिल्कुल नहीं है। अप्राकृत जगत का विषय बड़ा गंभीर है। उपनिषद से उपमन्यु का कहानी हम उठाया था, थोड़ा व्याख्या नहीं कर पाए। उपमन्यु जी गुरु सेवा में लगे हुए हैं और गुरु जी गौ चराने का सेवा में लगा दिया। गुरु जी गुरु वैष्णव कभी कभी परीक्षा लेते हैं हमको। गुरु वैष्णव कभी कभी हमारा जबरदस्त परीक्षा लेते हैं। ऐसा परीक्षा लेते हैं कि उसमें पास होना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर पास हो जाए तो समझो कि वो पहुंचेगा ठाकुर जी का पास। सिलो भक्ति प्रगण कैसे केशव गोस्वामी महाराज जी, सिलो बामन गोस्वामी महाराज जी, जब संतोष प्रभु, उसके बाद सज्जन सेवक ब्रह्मचारी का नाम भी प्रसिद्ध थे, उस समय में बड़ा भारी परीक्षा ली। ऐसा ऐसा परीक्षा ली जो कोई साधारण आदमी हो तो एकदम खत्म हो जाए भजन रास्ता से एकदम। एक दफे परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी बामन गोस्वामी महाराज जी को बताए, गुरु भाई इधर आओ। बोलने का साथ साथ श्रील बामन गोस्वामी महाराज फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। श्रील केशव गोस्वामी महाराज उसका इम्तिहान लिया, परीक्षा लिया, ये प्रभुपाद से हरिनाम मिला, क्या ये तो नहीं है कि हम प्रभुपाद का शिष्य, ऐसा अभिमान अंदर में है कि नहीं। बहुत सारे परीक्षा ली, हर परीक्षा में श्रील महाराज पास हो गए। ऐसा ही गुरु वैष्णव हमारा परीक्षा लेते रहते हैं। ठाकुर जी भी कभी कभी छुपके से आ जाते हैं, भिखारी का रूप बनाकर, तीर्थ यात्री का रूप बनाकर, यात्री का रूप में ठाकुर जी भी कभी कभी आ जाते परीक्षा लेने के लिए। राधा रानी ठाकुर जी आ जाते परीक्षा करने के। उपमन्यु का कहानी थोड़ा सा टच कर दे, उसका बाद भागवत जी का जो मूल प्रसंग है, समय बड़ा कम है, बड़ा डर हो रहा है। उपमन्यु जी को गुरुजी बड़ा भरी परीक्षा में डाल दी, गौ चराने के लिए गौ सेवा में लगा दी। और गौ चराने जाते थे शाम तक, सांझ ढाले तक, सांझ ढाले तक आ जाते वापस। और गुरुजी पूछते उपमन्यु, तुम उधर क्या खाते हो, तुम्हारा शरीर को अच्छा लगता है, बहुत दिख रहा है, बहुत सुंदर। बोले क्यों गुरुजी, क्या भिक्षा कैसे करे गौ चराने में, गौ माता का दूध पी लेता हूँ। और दूध पीने के लिए तो हमने आज्ञा नहीं दी तुमको, तो कैसे पी लिया, दूध तो बछड़ा का अधिकार। और ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। उसके बाद फिर कई दिन बाद प्रश्न किए, उपमन्यु तो उधर गौ चराने जाते हो, क्या खाते हो। बोले गुरुजी भिक्षा करके खा लेता हूँ। अब भिक्षा तो तुम्हारा अधिकार नहीं है,
है लब्ध्यार्पणम भागवत में शास्त्र में है, शास्त्र में विचार है लब्ध्यार्पणम, जो भी लाभ होगा हमको कोई कुछ दे वो हम गुरु सेवा में लगा, कुछ भी कोई दे। सत्शिष्यों का ये वासना नहीं है कोई 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 कुछ दे वो उसको हड़प कर ले, ऐसा नहीं। उपमन्यु कहे कि हम तो भिक्षा करके खा लेते, बोलो नहीं तुमको तो बोला नहीं, भिक्षा जो है तो वो गुरुजी को देना चाहिए, वो ठीक है दे देंगे, गुरुजी को दे दिया। फिर उसका बार कई दिन बाद प्रश्न किए उपमन्यु तुम क्या खाते हो, तुम जो जाते हो गौ चराने, बोले गुरुजी एक दफे भिक्षा करके आपको दे देता हूँ, दूसरा दफे थोड़ा सा भूखा करके मेरा मैं भोजन कर, नहीं ये भी तो नहीं, दोबारा भिक्षा करना भी उचित नहीं, ये उचित नहीं और इसमें तो दोष लग जाएगा। ठीक है गुरुजी जो आज्ञा। फिर कई दिन बाद गुरुजी पूछे उपमन्यु तुम गौ चराने जाते हो वहाँ क्या खाते हो, बोले गुरुजी क्या खाए, ऐसा करते कि बछड़ा जो बहुत दूध पीते रहते हैं वो उगालते हैं उगालने समय हम ले लेते हैं वो खा लेते हैं। बोले ये तो उचित नहीं, बछड़ा तुम्हारे ऊपर करुणा करके दूध उगालते हैं, इसमें उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा उचित नहीं है। गुरुजी सारे निषेध कर दिया सारे, ऐसा आज्ञा जारी कर दिया कि उसका जीना भी मुश्किल है। इस समय उपमन्यु गौ चराने गए तो है तो जवान लड़का, भूख के मारे कहाँ जाए क्या करे, कोई फल का भिक्षो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो कुछ वो जो शंकर भगवान को चराते हो ना फूल, कौन सी वो आकंद जानते हो, धूतरा, उसका पत्ता खा लिया, खाने का बाद तुरंत एकदम अंधा बन गया, अंधा बन के इधर उधर भटकते रहे और बाद में कुएं में गिर गया। कुएं में जब गया तो गुरुजी को पुकारते रहे, गुरुजी को ठाकुर जी को पुकारते रहे। अब इनके जो सेवा है इस सेवा के द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न भय और अश्विनी कुमार आ गए देवता, स्वर्ग की डॉक्टर, स्वर्ग का वैद्य है, आके बोले उपमन्यु एक काम करो, तुम्हारा आंखें अंध हो गया तो मैं कोई पिष्टक दे रहा हूं और पिष्टक भोजन कर लो तो आंखें ठीक हो जाए। उपमन्यु बोले नहीं हम तो गुरु जी को दिए बिना कुछ खाए नहीं। अरे गुरु जी को अलग से दे देंगे तुम खा लो, नहीं हम खाएंगे नहीं। ऐसा परीक्षा ली, बाद में इसका आंखें ठीक हो गया। ऐसा कहानी आपका रामानुजा कुरेश का जिंदगी में है, बहुत सुंदर। कुरेश का आंखें फोड़ दिया गया था, आंखें अंधा कर दिया, इतना बदमाश राजा दक्षिण का, बहुत कहानी बाद में बताएंगे। फिर भी वो गुरुजी का सम्मान उधर प्रतिष्ठा करके आए। ऐसा अवस्था उपमन्यु के जीवन में ऐसा परीक्षा हुआ, गुरुजी बोले तू धन्य है। उपमन्यु का क्या बात है, साक्षात कृष्ण भगवान जो है वो भी परीक्षा दी है। उपमन्यु तो दूर की बात है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो भी पढ़ाई के लिए गए, विद्यार्जन के लिए, ब्रह्मचर्य पालन के लिए गए, तो वहाँ संदीपनी मुनि जंगल के भेज दिए किसलिए, ईंधन अनायनेन, ईंधन मतलब जलानी लाने के लिए भेज दिया, उधर भी परीक्षा ली। ये सब प्रसंग आएगा, यहाँ जो है प्रसंग चल रहा था जे शिष्य कैसा हो सकता, शिष्यों का व्यवहार कैसा, शिष्यों का लक्षण कैसा और गुरु का भी लक्षण कैसा, ये सब चीज़।
ये सब तमाम विषय को ऊपर अगर पक्का कंसेप्शन ना हो जाए तो भजन आगे नहीं बढ़ेगा। काल ये सब विषय में चर्चा हुआ था, नारद जी को व्यासदेव जी ने पूछे जब हमारा अंदर में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन संपूर्ण संतुष्टि का अभाव क्यों दिखाई पड़ता, क्या कारण है इसका पीछे, उसका कारण कल बताया गया। तुमने ठाकुर जी का जो विमल लीला है इसका विषय में सम्यक वर्णन नहीं किए, इसीलिए तुम्हारा अंदर में आपका अंदर में कुछ अभाव महसूस होता, कल ये सब बताया। नारद जी महाराज सुंदर आदेश किए, तो सुंदर नारद जी अभी बोलते रहे, काल ये सब श्लोकों को हम उच्चारण किए, थोड़ा बहुत व्याख्या भी कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए। नैष्कर्म नैष्कर्मोपि अच्युतो भाव वर्चितम न सबत ज्ञानम अमलम निरंजनम कुतः पुनः सदभद्रमीश्वरी न चार्पितम कर्म यद्यपि ही अकारणम नैष्कर्मम ओपि अच्युत भाव वर्जितम न सबते ज्ञानम अमलम निरंजनम कुतः पुनः सदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि अकारणम। इधर बताया जे नैष्कर्मम ओपि अच्युत भाव को छोड़कर अंदर में भगवान का भाव नहीं है, भगवान का सेवा का भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसा भाव लेके कुछ भी करो, बड़ा त्याग दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, उसका कोई कीमत है नहीं। इस दो चार श्लोकों में ऐसा बताया, काल भी बताया था, अगर कोई प्राकृत को भी कोई बड़ा भारी कविता लिखा, लेखनी लिखा, उसको बोला कौवा का तीर्थ है, उसका कोई कीमत नहीं। इसलिए नैष्कर्मम ओपी बोलचे नैष्कर्मम ओपी उच्युत भाव वर्जितम, अगर निष्कर्म जो अगर हो फिर भी अगर उच्युत भाव वर्जित है तो उसका कोई न सबत ज्ञान ज्ञानम अमलम निरंजनम। उपाधि माया भ्रम जहां से निवृत्त होता है, जिसके द्वारा ब्रह्म स्वरूप लाभ भी होता है, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान ये भी अगर हरि भक्ति के खिलाफ है, ये भी अगर हरि भक्ति के खिलाफ है, अगर इसमें भी अगर हरिभक्ति मिलावटी नहीं है तो इसका भी कोई शोभा नहीं देता, ऐसा है। अतः श्री नारद जी महाराज व्यासदेव गोस्वामी को, व्यासदेव जी को एक सुंदर बताए उपदेश, ये उपदेश को मानते हुए आगे हमारा भागवत जी आएगा कैसे। अथो महाभाग भवान अमोगद्री सुचिश्रवः सत्तरतो धितव्रतः उरुक्रमासखील बंध मुक्तये समाधीन अनुस्मरो तद्विचेष्टितम्। अथो अतः ये सब जो उपदेश हमने दिया, अब ये विचार कर लो, अथो महाभाग, हे महाभागवत एक काम करो, भगवान आप एक काम करो, आप तो अमोघद्रिक, आपका दर्शन में कोई छेद नहीं है, साधारण आदमी का दर्शन और आधा भजन किया हुआ आदमी का दर्शन कच्चा दर्शन है। कोई भी आदमी जब तक पक्का वैष्णव ना हो जाए, वैष्णव का जो वास्तव आसन है
जब तक पक्का वैष्णव का आसन में बैठ ना जाए, वैष्णव पौध जिसको बोलता है, जब तक परिपूर्ण रूप से उसका अंदर से कोई परिपूर्ण रूप से अंदर से माया ना हट जाए, तब तक वो दर्शन जो है वो माया का दर्शन होगा। 100% नहीं, भजन करते हुए बहुत आगे गया, 80% हुआ, 20% माया का दर्शन। सम शॉर्ट ऑफ बैरियर मस्ट बी देयर, उसमें बाधाएं रहे, उसमें बाधा जरूर रहे। जब तक परिपूर्ण रूप से माया का पर्दा हट ना जाए, तब तक आपका दर्शन क्रिया में कुछ मिलावटी जरूर है, किसी भी हालत से पक्का दर्शन नहीं। और जब पक्का दर्शन हो तो माया का दर्शन नहीं है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस बात को एक सुंदर उदाहरण के द्वारा, शिल भोपाल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक सुंदर उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट किए, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किए। वो उदाहरण कैसा है, भोपाल जी कहते हैं कि देखो, टू स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे का तट वर्टिकली इंटरसेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे का साथ इंटरसेक्ट किया, ऐसा दो रेखा स्ट्रेट लाइन एक दूसरे का साथ ऐसा इंटरसेक्ट किया, इसमें भोपाल कहते कि इसमें कितना एंगल है, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, ए 90, टोटली 360 डिग्री। भोपाल कहते हैं कि जैसे वॉच घड़ी में ऐसा ऐसे के कांटे हिलते रहते हैं ना, घड़ी में क्या होता है, घड़ी में स्ट्रेट ऐसा ऐसा करके कांटे हिलते रहता है, हिलते हिलते वो टोटली 360 डिग्री को कवर कर लेती, ये नियम है। पोपा जी कहते हैं कि जिसका दर्शन में थोड़ा भी मिलावट है, माया है, उसका दर्शन क्या होगा, भले वो 360 डिग्री ओवर जहां भी देखे उसका दर्शन में पक्का दर्शन नहीं है, कुछ एंगल है। अर्थात जैसे रास्ते में घोड़ा चले तो घोड़े का जो मालिक है वो दो ऐसा ठूली पर्दा लगा देते हैं, पर्दा लगाने से वो क्या है, आजू बाजू में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो क्या देखेगा, जो मार्ग है जो रास्ता है वही दिखेगा, और जो मार्ग है वही दिखेगा, उसी रास्ता में चले। ऐसा ही है, समझ लो कि ऐसा ही है, जैसे घोड़े की घड़ी का कांटा ऐसा ऐसे हिलते रहते हैं, हिलते हिलते जब 360 डिग्री कवर कर ले, ऐसा जब पूरा जहां भी देखो वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का दर्शन खुला है, दरवाजा खुला है, कहीं भी देखो नजर डालो हर जगह दर्शन खुला है, कोई बैरियर नहीं। लेकिन बद्ध जीवों के लिए ऐसा नहीं, बद्ध जीव क्या होता है, बद्ध जीव का जो दर्शन है उसमें सम शॉर्ट ऑफ बैरियर मस्ट बी देयर, उसमें इम्पीडिमेंट्स, दर्शन का जो भाव है उसमें मिलावटी है, पर्दा पूरा खुलेगा नहीं। तो इधर नारद जी महाराज बोले, भवान अमोघद्रिक सुचिश्रवा, आप तो अमोघद्रिक, अमोघ मतलब, अमोघ मतलब जो दर्शन बेकार नहीं जाता, अमोघ वीर, जो अमोघ मतलब उसका जो एफर्ट्स है, इसका जो चेष्टा है को भी कभी बेकार नहीं जाता, अमोघ इसको बोलते, अमोघ मतलब वो काम करते ही रहेगा, ये बेकार कभी नहीं जाएगा। इससे बोले भगवान अमोघद्रिक, आपका दर्शन तो पक्का है, आप हमको प्रश्न कर रहे हो, और ये भी लीला है, आप अमोघद्रिक, आपका दर्शन एकदम पक्का है, सुचिश्रवा, आपका मां भी पवित्र भले कौन हो सकता, पवित्र कैसे होता है, अपवित्र अपवित्र बा सर्वावस्था गुत पिबा जस्वर तो पुंडरिकाक्ष सब अजयंत्र। भगवान का अंदर में कोई स्थिति नहीं है, बाहर में बहुत चार बार नहा लिया, कपड़ा बदल लिया, तो उसमें क्या होगा, पवित्र कैसे होता है,
पवित्र कैसे होता है? अंतर में पवित्र हो तो वास्तव पवित्र हो। वृंदावन में एक बाबा एकदम परिक्रमा लगाया, दंडवती विषय परिक्रमा लगाने बाद एक सेठ आया, बोले महाराज आपका जो कपड़ा है परिक्रमा किए हो हमको दे देना। बोले हाँ हमारा आज भी क्यों क्या करोगे? बोले ये हमको दरकार है, दे देना। वो देखा 5 साल से परिक्रमा कर, 5 साल से पूरा 108 बार करके पत्थर देखे, 5 साल से दंडवती। वो क्या किया, वो कपड़ा देने के लिए लेने के लिए नेक्स्ट डे आया, वो कपड़ा को धो धा के साफा करके वो सेठ जी को देना है तो साफा करके देना है, वो ले आए। वो दिया, जब आए लेने के लिए बोलो कपड़ा कहाँ है? बोले ये लो। ये कौन सी कपड़ा? बोले यही तो वही कपड़ा। अरे ये कैसा चिकना बन गया? बोलो धोया है। बोले अब तो लगेगा नहीं, जाओ ले जाओ, क्योंकि धूला का साथी पवित्र था, बज धूली है। जब हम 84 लगाते हैं हमको देख के आपको पता नहीं चलेगा महाराज ये कौन है, वो महाराज जो बैसगदी में बैठते हैं, नहीं कि भिखारी है जैसा, पता नहीं चलेगा कि पूरा काला काला एकदम। क्योंकि ब्रजभूमि का जो महिमा है, ब्रजभूमि का जो महिमा है उसको अगर सोचो समझो तो धोने का बाद ही नहीं, धोएगा कैसे? ये धूली है, तमाम तीर्थों का जो जहाँ जहाँ परिक्रमा वहाँ का धूली है, ये धोए तो हो गया, तमाम तीर्थों का महिमा है, इसको ऐसा करो तो हो जाएगा छुट्टी। ठाकुर जी का चरण का धूली है, राधा रानी का, जितना सारे ब्रजवास वही तो धूली है। जिस ब्रजधाम में जितना सारे ग्वारिया ग्वालवाल, जितना ब्रजमंडल की जितना सारे ब्रजवासी है, सारे तो वही धूली में भ्रमण किया। कौन धूली में किया? वही धूली तो है। ठाकुर जी नित्य धाम में चले लेकिन धूली तो वही है। कौन जाने हमारा मस्तक में भी वही कृष्ण राधा रानी का धूला ना गिरा नहीं, कौन बोल सकता? कोई तो बोल नहीं सकता। धूले तो उड़ते रहते हैं, वायु के द्वारा चलते रहते हैं। तो ऐसा ही है। अथो महाभागो भवान अमगद्रिक, अमगद्रिक है अब आसुचित श्रवा, आपका मां भी पवित्र कौन हो सकता? सत्य रतो, सत्य वस्तु, परम सत्य वस्तु को सत्यव्रत बोला जाता है। सत्यव्रत किसको बोला जाता है? साक्षात भगवान को। भगवान सत्यव्रत है। सत्य ससत्य निहितंच सत्य इत्यादि श्लोक है, आएगा भागवत में। त्रिसत्य बोल के बोल रहा है, भगवान ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। दूसरा व्यक्ति और वस्तु में ये सच्चा है, ये मान के चलो तो यू आर गोइंग टू डाई, मरोगे। परम सत्य वस्तु को जोर जबरदस्ती पकड़ के रखना, मेरा बात ध्यान से सुनना, परम सत्य वस्तु को जोर जबरदस्ती पकड़ के रखना, जोर जबरदस्ती। कैसा? जैसे बाढ़ आया, आप नदी में गिर गया और इतना जोर आपका करंट आपको ले जा रहा है, आप ऐसा क्या किया, एक वस्तु मिला, पेड़ का एक तो जो ये सीकर है वो मिल गया, आप जोर जबरदस्ती पकड़ के रखा, जैसे आपका पानी का जो धक्का आपको ले जा ले ना जाए। ऐसे माया का जो प्रवाह है, माया का जो प्रभाव है, माया का जो करंट है, हर हर हालत में हर ब्रह्मचारी सन्यासी चाहे गृहस्थी सब सोई को उठा के पटक देने के लिए हर वक्त व्यस्त है, माया का करंट है हर वक्त। अब जो सत्य वस्तु को जोर जबरदस्ती गुरु वैष्णव भगवान को पकड़ के रखे, उसको माया देवी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सत्य वस्तु को छोड़कर जरा सा भी, सत्य वस्तु को छोड़कर जरा सा भी झूठन का आश्रय लिया, झूठा मिथ्या का आश्रय लिया, तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। समझा मेरा बात? हर हालत में 100% जो सत्य है, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको हर हालत में जोर जबरदस्ती पकड़ के रखना। जरा सा भी आप झूठा आप मिथ्या का आश्रय ले लिया जरा सा, तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगा। जब तक मिथ्या का आश्रय लोगे
तब तक हमारा ये श्रवण कीर्तन जो है, जो कुछ भी है कर रहे हो, ये कहने सुनने में सीमित रह जाएगा। मेरा बात समझ में आए? आई बात समझ में? ये कहने सुनने में, कहने वाला कहेगा, सुनने वाला सुनेगा, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली मुश्किल है। जब तक हरिकथा हरि कीर्तन सही ढंग से ना चले, तब तक क्या होगा, झूठा का झूठ माने मिथ्या का आश्रय लेके कथा कीर्तन चले, ये भी मिथ्या पे आश्रय लिया, जो प्रवचन करता है वो भी मिथ्या का आश्रय लिया, श्रवण करने वाले मिथ्या का, तो तुम झूठा ही रह जाओगे, पूरा तुम्हारा जिंदगी झूठा रह जाएगा, क्योंकि तुम तो झूठा का आश्रय लिया, तुम तो मिथ्या का आश्रय लिया, तुम तो सत्य का परम सत्य वस्तु का आश्रय नहीं लिया। तो तुम्हारा श्रवण कीर्तन जो है वो कहने सुनने तक सीमित रह जाएगा, उसका आगे नहीं बढ़ेगा। जहां तक कहना और जहां तक सुनना उसी तक हो जाएगा, रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। बहुत महात्मा लोग, बड़े ऊंचे ऊंचे महात्मा लोग, कितना बड़ा बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं, लेकिन अकलमंदी आदमी है, कोई सुनते रहे तो सुनते तो रहते हैं कि वास्तव जिंदगी में ग्रहण नहीं करते। तो यहां नारद जी बताएं कि देखो सुचि श्रवा सत्व रत धितव्रत, आपका व्रत है धितव्रत, ठाकुर जी का सेवन ही व्रत। व्रत कौन सी व्रत है? पहले तो बोला सत्व रत, माने परम सत्य, परम सत्य वस्तु को धारण कर लिया आपने, सत्व रत। अधितव्रत कौन सी व्रत है? माने सेवा का व्रत। व्रत कौन सी? व्रत तो एक ही है हमारा, हमारा जिंदगी में सेवा। सेवा छोड़ के क्या व्रत हो सकता है? क्या व्रतो? व्रतो तो सेवा, बस यही। उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये, उरुक्रमस्य अखिल बंधये, उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये समाधि न अनुस्मर तद विचेष्टितम। उरुक्रमस्य उरुक्रम भगवान, उरुक्रम क्यों बोला? ठाकुर जी का नाम सत्यव्रत है, उरुक्रम है, हैं बहुत सारे नाम है, उरुक्रम क्यों बोला? इसका उत्तर महाप्रभु दिए हैं सनातन शिक्षा में, उरु जार क्रम तारे कोई उरुक्रम। उरु माने पुरु, विपुल पराक्रम जिसका, अनंत ब्रह्मांड जोड़कर जिसका प्रभाव, इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव सारे ओर जहां देखो ठाकुर जी का प्रभाव, उसको उरुक्रम, उरुजार क्रम उसके कहे, उसको कहे उरुक्रम। तो ये उरुक्रमस्य, उरुक्रमस्य अर्थात श्री कृष्णस्य, उरुक्रम कौन है? श्री कृष्ण है। अगर लीला का भी विचार करो तो उरुक्रम तो एकमात्र कृष्ण छोड़कर कोई नहीं, उरुक्रम कृष्ण ही। नारायण, नारायण को भी उरुक्रम बोला जाए, लेकिन एब्सोल्यूट उरुक्रम जो है कृष्ण, क्योंकि उसमें ही सारे लीला का पराक्रम, जितना सारे जो कुछ भी है लीला का परिधि, इन्फिनिटी तो पहुंचे। तो ये उरुक्रमस्य अर्थात श्री कृष्णस्य अखिल बंध मुक्त है, सर्व बिल्कुल टोटली ये माया का बंधन से मुक्त होने के लिए समाधि ना अनुस्मरो, समाधि में बैठ जाओ और समाधि लगा लो, अनुस्मरो, इसमें ध्यान से ध्यान सुनना, समाधि ना अनुस्मरो, समाधि में जब बैठोगे अनुस्मरो। अनु क्यों लगा दिया? अनुमनम, अनु मतलब गुरु, अनु मतलब गुरु का अनुगत्य में, अनुमन, अनु मतलब दो किस्म का होता है कम से कम, एक है कि इंस्टेंट नॉन स्टॉप अनु, अनुकीर्तन, अनुक्षण, ये जो अनु लगा दिया, प्रो परा अपो अनु, उपसर्ग, एक उपसर्ग लगा दिया, व्याकरण व्याकरण में आता है, इसके द्वारा शब्दों का ताकत को कई गुण बढ़ा देता। ये जो अनुस्मर अर्थात गुरु वैष्णव का अनुगत में शरण करो, नारद जी कहना चाहते हैं, हमको जो पूछा है व्यासदेव जी गोस्वामी, इसको बोला अनुस्मर अर्थात कंटिन्यूअसली हर वक्त अनुक्षण चिंता करो, एक माने, आ एक अनु मतलब अनुगत्य में, दोनों माने, अनुस्मरो समाधि ना अनुस्मरो, समाधि ना, समाधि ना समाधि के द्वारा
तृतीया कारक विभक्ति में तृतीया द्वारा दिया कत्ती। तो ये समाधि ना समाधि के द्वारा आप अनुस्मरो तद विचेष्टितम। तत् मतलब से सद वस्तु परम सद वस्तु जो कृष्ण तद विचेष्टितम उसका जो लीलाए हैं तत् मतलब सद वस्तु ओम तत् सत् बोला जाता है। ओम एकाक्षरम ब्रह्म मंत्र यही भगवान का स्वरूप है। ओम वही तत् है वही सत् है जो तद वस्तु वही सद वस्तु। और ये समाधि न अनुस्मरण तद विचेष्टितम आप समाधि में बैठो और ठाकुर जी का पूरा लीला का बारे में आपका अंदर में भाव आएगा पूरा लीला दिखाई पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी रामायण वो जो है तुलसीदास रामायण जो है और लिखने का प्रयास किया पूरा लीला को दिखाई पड़ता है पूरा लीला जो जो सामने दिखाई पड़ता उसी लीला को लिखना शुरू कर दी। जो जो लीला दिखा पड़ा जैसे वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि कब रामायण रचना किए बोले राम जी कब पैदा आविर्भाव कब हुए राम जी का हजारों हजारों साल पहले कब का बात है तब रामायण रचना हो गया। बोले कैसे रचना हुआ बोले ऐसा ही है ठाकुर जी का कीपा रामायण लिखने बैठा और राम जी का लीला तो नित्य है ही है और राम जी का लीला सामने दिखाई पड़ा और वाल्मीकि जी महाराज पूरा लिखना शुरू कर दे पूरा रामायण तो रचना हो गया कब राम जी आविर्भाव हुआ ऐसा है। तो समाधि ना अनुस्मर तद विचेष्टितम समाधि के द्वारा आप बैठो तो सही और जब समाधि लगाओगे देखोगे भगवान का पूरा क्योंकि नारद जी का कहना है भक्तों का कहने का अंदर ठाकुर जी का ही कहना है। भक्तों का कहना मतलब ठाकुर जी का ही कहना तो नारद जी कह दिया मतलब महाराज जी भगवान का अपना एकदम। तो नारद जी कहा तो आप समाधि में बैठो तो सब दिखाई पड़ेगा तो धीरे धीरे सब दिखाई पड़े। ऐसा करते करते तमाम भगवान का लीला जो है सामने दिखाई पड़ा और वैष्णव जी श्रीमद भागवत जी का कैसे रचना किए इसका भी पुराणों में आता है। गणपति महाराज जी को बुलाया गया तो कौन लिखने वाला कौन है वो लिखेगा कैसे इतना जल्दी बताता है वैष्णव गोस्वामी। तो गणपति महाराज को सिलेक्ट किया गया एक गणपति महाराज ही है वो साक्षात विष्णु अंश में जन्म विष्णु है ब्रह्मांड पुराण में है विष्णु। तो गणपति महाराज लिखने बैठे और नारद जी ये वैष्णव जी बोले कि आप लिखनी बंद कर दो तो हम बोलना बंद कर देंगे। तो गणपति महाराज कह रहे हैं कि आप बोलते चलोगे तो हम लिखेंगे अब जब आप बंद कर दोगे बोलना तो हम लिख बंद करके हम चले जाएंगे आप जब तक बोलोगे तब तक हम लिखते रहेंगे नॉन स्टॉप। अब वो बोलना बंद कर दोगे तो हम क्या करें लिखनी बंद करके हम चले जाएंगे। तो व्यास जी बोला तो बड़ा भारी मुश्किल हुआ हमको तो सोच समझ के लिख। तो नारद व्यास जी क्या की व्यास जी ने बोला ठीक है मंजूर है। तो उस समय वैष्णव जी बोले आप जो लिखोगे वो सोच समझ के लिखोगे बिना सोच समझ के लिखोगे तो मुश्किल है एक बात भी एक शब्द भी हम कहे उसको पहले समझना उसके बाद लिखना। तो दोनों को कंडीशन दे दिया। तो वैष्णव जी महाराज क्या की ये तो है ही गणपति महाराज ये भी साधारण कोई नहीं है बोले ठीक है लेखनी शुरू हुआ वंदना करके और लेखनी का साथ साथ वैष्णव जी क्या किए भागवत जी महापुराण ने कुछ कूट वाक्य जानते हो कुछ कूट वाक्य का रचना करके उसका नोट डाल दी। कूट वाक्य का मतलब ऐसा वाक्य है जिसका यूज किस लिए हुआ वो समझना मुश्किल होगा बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। वैष्णव जी महाराज क्या की भागवत जी का अंदर कभी कभी कूट वाक्य रचना करके उसने डाल दी और गणपति महाराज वो कूट वाक्य का माने क्या है ये सोचते रहे इतने में ये लिखनी फिर से लिखनी शुरू कर दिया बोलना शुरू कर दिया। ऐसा करके भागवत जी का हमारा सामने ये जो आया है ऐसा करके आया वो भी बुद्धिका सम में ये भागवत जी महापुराण का रचना हुआ था और यहाँ
सुंदर नारद जी बताते चले अपना जिंदगी का पहले जिंदगी का कहानी। इसमें उल्टा मत समझो, आप सोचो कि नारद जी महाराज का पहला जिंदगी का कहानी इसका मतलब क्या है। महाराज नारद जी नित्य सिद्ध नारद जी, साधन सिद्ध नारद जी, नित्य सिद्ध नारद जी तो कभी इसका कारण है, सब ये सब सुंदर व्याख्या है। आ ये जो साधन सिद्ध नारद जी, ये भी नारद जी है, इससे वो नारद जी से ये आलाद नहीं है, बहुत विचार है, सब संदर्भों का विचार है। तो ये नारद जी जो है अपना पहला जिंदगी का कहानी व्यासदेव जी का सामने कह दिया कैसे, और उसका पहले एक सुंदर श्लोक है, तस्यैव हेत प्रजते कोविदो न लभते यद भ्रमताम परियदो तल्लभते दुखवद अन्नतः सुखम कालेन सर्वत्र गवीर रंग हसा। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, कथा सुनना चाहिए नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाएगा। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरि अधो, वो चीज के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास प्रचेष्टा करेगा जिस वस्तु इस जगत में भ्रमण का टाइम में नहीं मिलता है। तस्यैव हेतुः प्रयतेत प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरि अधो, कितना दिनों से घूम रहे चक्कर काट रहे हो ब्रह्मांड में, अभी इधर जन्म हुआ, इधर सब शादी हुआ, सब हुआ, लेकिन कितना जन्म से चक्कर काट रहे हो कोई पता है, अनंत काल से। अभी कोई सुविधा हुआ वो भी बेकार में गंवा रहे हैं, ये सुविधा हो गया हमारा चक्कर काटना बंद हो जाए। बोले तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरि अधो, अनंत ब्रह्मांड में चक्का काट रहे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चैतन्य चरितामृत सुने कहाँ सुने, चैतन्य सुने चैतन्य चरितामृत का व्याख्या कौन सुना है, सुना किसका व्याख्या सुना, बामन जी महाराज का सुना, सुना नहीं बामन जी महाराज जी सुना। हाँ वहां लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत, कभू राजा कभू पूजा कभू धनी दरिद्र सब जो है वो लिखा हुआ। आओ चैतन्य चैतन्य महापोले कोभ दंडो जने राजा जनो नदी ते चुबाए, शास्ति देने के लिए बाली जी महाराज, बाली का नाम सुने हो, बाली जी महाराज वो रावण को अपना पुछुआ पे पकड़कर सात समुंदर में चुबाया ऐसा ऐसा करके, और चुपचाप बैठे रहे, उसका जो पुछुआ है पुछुआ से रावण को पकड़ के सात समुंदर में, उरे बाप रे मेरे को छोड़ दे, ऐसा विनती किया तो छोड़ दिए जा भाग, ऐसा है। पहले के जमाने में किसी को अगर शास्ति दिया जाता था पनिशमेंट ऐसा होता था, उसको पहाड़ी के ऊपर से रस्सी बांधकर पहाड़ के चट्टी से समुंदर में ऐसा फेंक दे, फिर उठाए फिर फेंक दे, एकदम सांस घोट जाए, ये पनिशमेंट तुम्हारा होना चाहिए, तब पता चलेगा हैं? नहीं तो मानोगे नहीं। इसलिए तस्वीर वह तो प्रयोग तो कोविद हो, अनंत काल से कभी कुत्ता बिल्ली कभी मछली कभी पक्षी पंछी कभी जंतु जानवर कभी आदमी का जन्म हुआ, वो आदमी भी बहुत किस्म का, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुंदर लिखे हैं, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद हैं हैं, आर जंगमे स्थल चलचर जलचर विभेद हैं, है ना, तार मध्य फिर विवे किया मनुष्य जोनी, उसमें भी कोल भील शबर आदि भाग किया, उसमें भी भाग करके पूरा सुंदर विचार है। तार मध्य स्तंभर साबर जंगम विभेद, जंगमे स्थल जलचर विभेद है, तार मध्य मनुष्य जति अति अल्पतर, तार मध्य बुद्ध पुलिंद शबर इत्यादि सब नीचे जाती है। ऐसा करके मनुष्य जाति जो है ये विचार करो तो पागल हो जाए। जलजा नवलक्षानी सबरा विंश लक्षती, है ना, ताबा उसके बाद
कृमयो रुद्र शंख का पक्षी नाम दशलक्षकम है और उसके बाद त्रिंशत लक्षानी पशवः चतुर्लक्षानी मानवः। हिसाब लगाया नहीं? हिसाब लगाया? हिसाब लगाया? हिसाब नहीं लगाया? हिसाब लगा के देखो क्या होता है। सब जो बोला है इतना लाख ये जोनी है, इतना लाख ये जोनी है, हम जो व्याख्या किया इसको जोड़ लो, देखोगे 84 लाख आएगा, 84 लाख। और 84 लाख जोनी में ये 4 लाख जो जोनी है ये आदमी मनुष्य बन के जन्म, वो मनुष्य में तरह तरह का मनुष्य है, जंगली जंगली जानवर का मापिक मनुष्य भी है। 4 लाख खाली चतुर्लक्षण मानव, 4 लाख खाली वैरायटी है, डिफरेंट किस्म का आदमी है। उसमें शुद्ध जनी मिले किसका? बहुत कम। ऐसा है, ऐसा सौभाग्य से, ऐसा सौभाग्य से ये जन्म नहीं मिला, ऐसे ऐसे तैसा नहीं है, बड़ा सौभाग्य है। तो तस्वीर हे तो प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियत हो। ये ब्रह्मांडो 14 भवन चक्कर कटते कटते जो वस्तु नहीं मिलता है, वास्तव बुद्धिमान जो है, एक्चुअल इंटेलिजेंट जो है वास्तव है, वो वस्तु को लाभ करने के लिए प्रयास प्रचेष्टा करे अमृत प्राप्त के लिए। भले भले ये 14 भवन में जो वस्तु को मिलता नहीं उसको भ्रमण करता है ऊपर यद हो। अतलभते यद दुख्यवत अन्नतः सुखम काले न सर्वत्र गभीर रंग हसा। काल का जो पराक्रम है, काल का जो पराक्रम है, ये पराक्रम का सामने कोई टिक नहीं पाएगा, कोई टिक पाएगा? महाकाल का जो पराक्रम है इसका सामने पागल का माँ भी बह जाओगे। काल का पराक्रम है और ये काल का जो पराक्रम, इसके द्वारा कभी दुख मिले कभी सुख मिले, तल्लभते दुख बत अन्नतः सुखम, कभी दुख मिले कभी सुख मिले, ऐसा ऐसा चलते रहे। और बाकी तो समाधान होने, बाकी तो समाधान नहीं होने वाला, बाकी समाधान नहीं होते तो समाधान कैसे होगा? भले सबसे शास्त्र में प्रशंसा किया गया बुद्धि का, हमने 11 स्कंदों का भगवान का प्रसंग जो है उद्धव जी का, जो उद्धव जी को उपदेश दे रहे भगवान श्री कृष्ण, उधर वहां से एक श्लोक उठा के बोला था, वास्तव बुद्धिमान कौन है, ऐसा उद्धव जी एक प्रश्न किए थे। उस समय ठाकुर जी ने उत्तर दिए कैसा, बलझेन ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अनृते नेह मरते न अपनति अमृतम। ये 2 दिन का जिंदगी पक जब मिला तो इस जिंदगी पूरा जिंदगी कैसा, भले अमृत प्राप्त करने के लिए अगर व्यवस्था करो जो कैसे हमको अमृत मिले, वास्तव अमृत जिसके द्वारा भगवान का नित्य धाम को हम चले जाएंगे। जब तक ना मिले तब तक ये जगत में आना और जाना। बुद्धिमानों में उसको बुद्धिमान माना जाता है, जो मनीषियों में उसको मनीषा, उसका ही मनीषा है यही मानी जाएगी, जिसका वास्तव भगवत सेवा में रुचि हुआ। कैसे हमारा जीवन नित्य जगत में हम कैसे जाए, ऐसा विचार अगर आए, अमृत प्राप्त करने की इच्छा हो, व्यवस्था हो, तो वही वास्तव बुद्धिमान है। और इधर भी नारद जी ने सुंदर बताए कि इदम ही पुंस तपसो सुतस्वा शिष्टस्य सुक्तस्य बुद्ध दत्तयो अविच्युत अर्थ कविविर निरूपित जदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम। इदम ही पुंसो तपसोस्वा, सारे तपस्या व्रत उपवास, इदम ही पुंसो तपसो सुतस्वा, इतना सारे वेद पुराण आदि अध्ययन अध्यापना किए हो तो इसका कीमत कब होगा, इसका मूल्य कब है, कहाँ तक है,
बोले इदम ही पुंसो तपसो सुतोस्वा, ऐसा तपस्या साध्याय अध्याय करके बा शिष्टस्य सुक्तस्य बुद्ध दत्तयो अविच्युत अर्थो कविवीर निरूपितो जदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। भले कब होगा, भले पुरुषे, एक पुरुष मतलब आप समझो कि पुरुष सब वही पुंसम हम बोला था, इसका व्याख्या दूसरे दूसरे कथा में हम व्याख्या किया था, आपका सामने नहीं किया। सब वही पुंसम परो धर्म जो बोला था, इसमें आप सोचोगे कि पुरुष का बारे में बोला है, ऐसा नहीं। व्याख्या हमने बहुत बार की वृंदावन में, बहुत जगह। सब वही पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति रधक खजे अहितुक अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति, ऐसा सुनने का बाद कोई अगर सोचे सब वही पुंसाम परो धर्म अर्थात पुरुषों के लिए धर्म है, ऐसा सोचे तो गलत है। ये पुरुष स्त्री का बारे में नहीं बोला, जीवात्मा का, जीवात्मा का बारे में बोला। सब वही पुंसाम परो धर्मो, ये स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है। तो ये इधर जो सब वही पुंसाम, ये पुरुष है, ये पुरुष, पुरुष का व्याख्या कैसे होगा? तो हम मान ले कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, पुरुष का व्याख्या क्या होगा? इधर पुरुष का व्याख्या क्या है? बोले यहां बोले व्याख्या ये है, पूरे देहे वसती इति पुरुष। पूर मतलब, पूर मतलब ये पूरी, तुम्हारे जो शरीर है, तुम्हारे जो शरीर है मंदिर है, पूर एक अच्छी से मुकान बाद में आएगा, सुंदर व्याख्या हम करेंगे। हाँ, ये जो शरीर है इसको मंदिर बोला जाए, इसमें नौ द्वार है, नौ गेट, और नौ गेट से किसी एक गेट से आत्मा निकल जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी स्त्रीलिंगो। क्यों? जीवात्मा तो सशक्ति तो ठीक ही है, किसी एक दरवाजा से निकल जाएगी आत्मा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नौ गेट है, नौ गेट, नौ गेट वाला ये मंदिर है सुंदर। नौ विधा भक्ति करते हो, नौ चूड़ा लगाते हो, नौ गेट भी है। हाँ, ये नौ द्वार का किसी एक गेट से ही आत्मा निकल जाएगी, आज नहीं तो कल, ऐसा विचार है। तो ये जो है पुंसो मतलब ये जो जीवात्मा है, पूरे अर्थात ये शरीर में जो जीवात्मा बैठी हुई है, बैठे हैं, इसका बारे में बोला है सौ वही पुंसो, अर्थात शरीर में जो जीवात्मा है इसी का बारे में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो सौ वही पुंसम परो धर्मो, यहां भी इदम ही पुंस तपसो सुतस्व वा शिष्टस्व सुक्तस्व बुद्ध दत्तयो अविच्युत अर्थ कविवीर निरूपितम। अविच्युत अर्थ, ये अर्थों से कोई दूसरा अर्थ लगाने जाए तो मुश्किल है, यही अर्थ है अविच्युत अर्थ। अविच्युत में जो अर्थ लगाया, ये अर्थों को किसी भी हालत से यू कैन नॉट चेंज इट, अनचेंजेबल। जैसे आपका इधर संविधान में बहुत सारे नियम होता है ना, बहुत सारे नियम, अमुक सेशन में ये संविधान का नियम थोड़ा अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट होता है ना संविधान का जो अमेंडमेंट बिल, लेकिन ये जो हमने ये जो विचार बोला, ये नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। संसद में जो विचार है वो तो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, जितना सारे आप विचार करोगे, नेता लोग बैठ के संसद में बैठ के विचार करके ये नियम को थोड़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन हम जो नियम बताने बैठे, यू कैन नॉट चेंज इट, ये चेंजेबल अनचेंजेबल, सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट नहीं है, ये आप संशोधन करोगे ये संभव नहीं। तो इसलिए बोला ये अविच्युत अर्थ, ये जो अर्थ लगाया इसका चेंज हो संभव ही नहीं है। कविवीर निरूपितम, कवि कौन है? भूत भविष्यत वर्तमान जिसका नजर में आता है, तत्वज्ञानी है कविवीर निरूपितो है, कवि कवि कवियों ने जो तत्वज्ञानी व्यक्तियों ने जो निरूपण किए हैं, जब उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवर्णन, यही सबसे बड़ा फायदा है।
इससे बढ़कर फायदा और है नहीं। पुरुष का अर्थात जीवात्मा जिसी देश जिस शरीर में भी हो ऐसा कोई बात नहीं, पुरुष का तपस्या बल, वेद ध्यान बल या तो जाग जग्गो मंत्र पाठ आदि जो भी बल अब बोलो, ज्ञान व ध्यान, ज्ञान ज्ञान की ज्ञान दान किया बल बात थी, फिर दूसरे दान कुछ कर दिया उसके तरफ बल शक्ति आता है। लेकिन कुछ भी करो भगवान का गुणवर्णन जो है सारे समस्त तमाम कार्यों को सिद्ध बनाने वाला, नित्य सिद्ध अक्षय फल मिलता है भगवान का कीर्तन के द्वारा जो फल मिलता है इसका साथ किसी का तुलना नहीं किया जा सकता है। भले ऐसा एक उदाहरण दे दे, देखो जे मेरा कहानी हम बताएं, पूर्व जन्म का हम कहानी बताएं। ये नारद जी कह रहे हैं कि अहम पुरातीत भवे अभवम मुनि दास्याश्चो कश्चन वेदवादिनम निरूपित बालक एव योगिनम सुसुसने पब्रिषि निर्विवीक्षतम। भले हमारा बात ही पकड़ लो, हम पूर्व जन्म में किसी दासी का पुत्र थे, दासी पुत्र, और हमारा सेवा का अवसर मिला, हमारा सेवा का अवसर मिला वेदवादिनम ऋषि मुनियों का सेवा का अवसर मिला कश्चन बजे निरूपित बालक एव योगिनाम सुसुसने पर वृषि निर्विवीक्षताम। भले हम पूर्व कल्प में वेदोध्वाई ब्राह्मण शुद्धो इन लोगों का सेवा का अवसर मिला था, कैसा एक एक जगह एक विचार आता है टीका टिप्पणी में। भले संतों का एक झुंड चल रहा था और चौमासा काल से शुरू होने वाला, और संत महात्मा लोग ने विचार किया कि चौमाहना में भागादौरी करना ठीक नहीं है। चौमासा का अर्थ है कि एक जगह बैठ के केवल भगवान का गुणगान करो। आजकल तो कोई करता नहीं, आजकल कोई करता नहीं। चौमहना का नियम है एक जगह धाम में या किस मंदिर में एक जगह बैठ के केवल हरिकथा कीर्तन करते चलो, अपना सेवा और हरिकथा कीर्तन करते चलो, ये नियम है। और हमारा वो जो संतों का झंडू वो चार महीना हमारा गांव पे ठहर गया था। बोले ठीक है काल से चौ महीना सूर्य होने जा रहा है तो ऐसा करे कि इस जगह बैठ के कथा कीर्तन को कर बात करते रहे और चौमासा मनाए। जैसे महाप्रभु श्रीरंगम में महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करते हुए जब श्रीरंगम में आए तो बोले महाराज काल से चौ महीना शुरू हो रहा है तो श्रीरंगम में ठहर गया प्रभु जी चार महीना और श्रीरंगम क्षेत्र में चौ महीना मनाए, चौमासा मनाया था ऐसा नियम। तो ये चौमासा मनाने का जो पद्धति है आजकल के जमाने में कोई समझे नहीं। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज इसका ऊपर बड़ा भारी सुंदर लिखे सुंदर, जे चौमासा पालन हम नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। चौमासा पक्का पालन करना चाहिए, चौमासा पालन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि चौमासा के द्वारा है बहुत शक्ति आता है। चौमासा का मतलब क्या है, भगवान शयन करे शयन एकादशी और उत्थान एकादशी में उठे, चौ महीना जब ठाकुर जी सो जाए दिव्य स्वयं जोगो निद्रा को आश्रय करके अपने आप में समा जाता है ठाकुर जी। ठाकुर जी का शयन हमारा मापी नहीं, हमारा शयन कैसा है वो तमोगुणी तमोगुण का शयन, लेकिन गुरु वैष्णव भगवान का शयन ऐसा नहीं है। भगवान का शयन अपराकित, रघुनाथ दास जी 48 घंटा 48 मिनट ये भी स्वयं नहीं करते थे, 2-3 द्वंदो स्वयं तो भी नहीं है, कभी कभी वो भी बंद। रघुनाथ दास गुसाई 2000 वैष्णवों का नाम लेकर दंडवत करते थे, 2000 वैष्णव का एक एक वैष्णव का नाम ले और वांछा कल्पतरु दंडवत फिर उठे, वांछा कल्पतरु ऐसा 2000 वैष्णवों का दंडवत करते थे, 2000 और 2 लाख नाम करते थे। राधा कुंड में
तीन टाइम, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तीन दफे स्नान, और ब्रजवासी को आलिंगन करते थे, आजा छाती पे आजा, ऐसा सेवा किए। इसलिए चैतन्य चरितमृत में है, रघुनाथेर सेवा जनो पासा रघुनाथेर नियम जनो पासानेर रेखा। रघुनाथ जी का जो नियम है भजन निष्ठा, ये पासन का ऊपर कोई खुदाई कर दो मिटने वाला नहीं, ऐसा नियम है। हमारा तो ऐसा नियम है, कभी मुसीबतें आए तो नियम बदल दिया महाराज, मैं ऐसा असुविधा हो रहा है तो नियम बदल दिया, जैसा सुविधा हो तो किया, नहीं सुविधा हो तो बदल दिया। ये निष्ठा का परिचायक नहीं है, ये निष्ठा नहीं प्रमाण करता है। कथा कीर्तन में सेवा में जो निष्ठा, ये अलग सा बात है, ये हर कोई का दिल में दिखाई नहीं देता। तो वेदवादी जो इधर जो है वो ब्राह्मणों का सेवा किया या संत महात्मा का सेवा किया होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं, एक एक जगह टिप्पणी में लिखा है साधु संतों का झुंड, ठीक है कोई बात नहीं। उस टाइम पे हमारा माताजी दासी दूसरे के घर में काम करकर गौ दोहन आदि सेवा कर्म करती थी और करके गुजारा करती थी, गुजारा होता था हमारा संसार। इस टाइम पे क्या होता, बोला हमारा सुयोग मिला था, संतों का झुंडू उधर थोड़ा पैर का नीचे, पैर का नीचे बैठ गया और दिन भर संकीर्तन हरि संकीर्तन, तो हमारा भी बहुत आनंद लगा। वो बिल्कुल घूम घूम के एकदम पूरा संतों का संग ही रहता था, पूरा चौ महीना हम साधु संतों का साथ रहा। और कभी कभी बोलते थे बेटा जा तो जंगल में थोड़ा लकड़ी उठा के ला, तो हमको आदेश देता था और हम जाके लकड़ी उठा के लाए, सूखा लकड़ी ऐसा बहुत थोड़ा बहुत से, और थोड़ा बर्तन को घिस दे तो बेटा ऐसा बर्तन। संतों का जो आदेश है पालन करते करते मेरा, और संकीर्तन तो सुन ही रहा, हरिकथा हरिकीर्तन तो चल ही रहा हर वक्त। आपका जमाने में किसी का आइडिया नहीं है कैसे हरि, कैसे हरिकथा कीर्तन चलना चाहिए। परम पूज्यवाद भक्ति हुई तो माधव गोस्वामी महाराज जब प्रचार में जाते थे तो प्रचार में चारों चारों टाइम हरिकथा होता था, चारों टाइम, चार दफे पागल हो जाओगे। सुबह का टाइम में हो जाता, सुबह के टाइम में, फिर दोपहर का टाइम में, शाम को, फिर रात को, चार टाइम हरिकथा होता था। वो भी मामूली नहीं, दो तीन चार घंटा करके, कोई भी श्रम नहीं, चार ऐसा चार दफे पागल, हैरान की बात है, चार दफे हरिकथा, चार दफे। सुबह में हो गया, फिर दोपहर को बैठे, दोपहर ने 11 बजे प्रसाद तो बैठ लिया, फिर हो गया दोपहर को दादा 2 घंटा विश्राम, मतलब माला उला करो, फिर शाम को बैठा 3 बजे बैठा, 4 बजे फिर 1 घंटा विश्राम, फिर किया चारों टाइम। आपका जमाने में वो सब हरिकथा कीर्तन का कोई आदमी नहीं है, या तो बोलने वाला अगर है तो सुनने वाला है ही नहीं कोई है। इसलिए उपनिषद में बोला ना, इसीलिए उपनिषद में बताया गया। उपनिषद ने क्यों ऐसा बताया, जो आश्चर्य अश्व वक्ता कुशल अश्व लब्ध्या, आश्चर्य अश्व वक्ता, अश्व ये हरिकथा सुनने वाला आदमी, उपनिषद में बताया गया आश्चर्य अश्व वक्ता, ये भगवान का बारे में अनुभव की बातें बोलने का कोई सत्मात्मा खूब कम है, नहीं है बोलने से चले कि गिनती में आता नहीं, कोई परसेंटेज लगाओ, हिसाब करके कोई परसेंटेज लगाओ, हमारा परसेंटेज आता ही नहीं, 0.01% हो सके तो परसेंटेज में आएगा नहीं, तो जो परसेंटेज में आएगा नहीं उसका विचार कैसे करोगे। तो आश्चर्य अश्व वक्त्या कुशल अश्व लब्ध्या, इसका कोई वक्ता ही नहीं, अगर मुश्किल से कोई वक्ता मिले तो मिले, मुश्किल से कोई वक्ता अगर मिले लेकिन उसका श्रोता भी नहीं है, मुश्किल से अगर दो एक वक्ता मिल गया लेकिन सोता कहाँ है, सोता नहीं है। आश्चर्य वक्ता कुशल अस्य लब्ध्या। तो यहां क्या हुआ, ये वो लोग जो संकीर्तन करते थे चौमायना, ये करते करते वो उन लोगों का बालक एवं योगी नाम सुसु सने
पापवृषि निर्विवीक्षताम। और हमने क्या किया, चौ महीना चतुर्मास व्रत, जोगो जोगीगण ओ जो साधुगण संत महात्मा लोग व्रत आरंभ किए और एक साथ बैठ के संकीर्तन आदि सब चलते उस टाइम में व्यवस्था हुआ था। और हम बालक होने से भी ओ बच्चा थे, फिर भी हम सेवा के लिए उधर उपस्थित होते थे कि कभी सवन कभी कीर्तन कीर्तन कभी छोटा मोटा सेवा हम कर देते थे। ते मई अपी ते बोलते ते मई अपेता खील चापले अर्भके दान्ते अद्धित किरण किरण के अनुवर्तिनी चक्रुम कीपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः शिशु सुमाने मुनयो अल्पभाषिणः। अल्पभाषिणी बोले ते ये लोग मुनि ऋषियों ने ते मई अपेता खील चापले अर्भके, ये मुनि ऋषियों ने क्या किया, हमारा अंदर में वो मुनि ऋषियों ने देखा कोई चपलता चंचलता नहीं। मुनि ऋषियों ने देखा ये बच्चा बड़ा अच्छा है, अजब का बच्चा है, इसका अंदर में कोई चंचल भाव नहीं है, बड़ा अच्छा संत का लायक है, सेवा करने का लायक। तो ते मई अपीता ते मई अपेता खील चापले अर्वके दान्ते अद्धित किरण के शांतो दान्तो, दो शब्द आता है, दान्तो मतलब बाहर बहिरिंद्रियों का संयम, बहिरिंद्रियों का संयम बड़ा शांत हो, कोई चंचलता बिल्कुल नहीं है। हाँ, और बोले दान अद्धित किरण के, अद्धित किरण के माने धित किरण का मतलब खेलकूद देके व्यस्त है, अद्धित किरण के मतलब खेल खेलकूद कुछ नहीं है बच्चा का, ऐसा कोई बच्चा होता है जो खेलकूद नहीं है। नारद जी बोले हाँ हमारा जिंदगी ऐसा था, कोई खेलकूद करने में बिल्कुल हमारा मन नहीं लग रहा था, इसलिए बोले अद्धित किरण के, हमारा कोई पुतली देखे कुछ खेलकूद में बिल्कुल मन नहीं था। तो अद्धित किरण के अनुवर्तिनी, हम वो साधु संतों का अनुवर्तन करते थे क्योंकि हम अनुगत थे, ए ये कर हाँ हाँ करे, अनुवर्तिनी मैंने अनुगत थे, अनुवर्तिनी चक्रु की बाम। और वो संत महात्मा बड़ा प्रसन्न हो गया मेरा ऊपर, अरे देखो तो कैसा बच्चा है, एक बच्चा है, ये बच्चा है मासूम बच्चा, वो बच्चा का कैसा भाव है देखो, ना तो खेलकूद ना कुछ चंचलता कुछ नहीं है। फिर संतों का मां संत महात्मा के सामने बैठ जाते, हरिकथा सुनते, कीर्तन में लगाते, कीर्तन में तालियां लगाते, वाह बहुत सुंदर बच्चा, खेलकूद करते नहीं, चंचलता नहीं है। और ऐसा हमारा गुण गुनावली देखकर ये जो महात्मा लोग है हमारे ऊपर कृपा करके चला गया। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, ये साधु लोग तो तुल्य दर्शन है, तुल्य दर्शन माने किसी भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो नहीं है लेकिन इसका अंदर में जो तीव्र भाव है अनुकूल भाव है, अनुकूल भाव को देखकर स्वतः ये लोग का अंदर में करुणा आ गया। और संत महात्मा का वो जो टीम है झंडू है चौ महीना मनाने के बाद जब जा रहा था बड़ा आशीर्वाद करके गया मेरे ऊपर, जा कृपा चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः शुश्रूषु माने मुनयो अल्पभाषिणः, अल्पभाषिणी अल्पभाषिणः ना अल्पभाष मुनयो अल्पभाषिणी। और मुनि मतलब वो तो पक्षपात शून्य है, हम बड़ा हम तो बालक थे फिर भी हमारा ऊपर मितभाषी अल्पभाषिणी ये जो मुनयो मुनिगण मेरा ऊपर कृपा कर दिया। और ये संत महात्मा लोगों का जो उच्छिष्ट अनुलेपन, उच्छिष्ट माने संत महात्मा लोग प्रसाद पा लिया और पत्तल को उठाने के टाइम में झूठन था थोड़ा खा लिया, संत महात्मा का झूठन का कितना महिमा है आप जानो तो हैरान हो जाओ। हैं जादवाचार्यों का बारे में, जादवाचार्यों का बारे में जादवाचार्य को जहां से रामानुजाचार्य जिस जहां से वेदांतों पढ़ने के लिए गया, बड़ा सुंदर कहानी हम बताएंगे। जादवाचार्य बड़ा दुष्ट हो, रामानुजाचार्य का प्रभाव देख के बोले हमारा मायावादी सिद्धांत है, ये सब ये जो बालक है
ये मायावादी सिद्धांतों को एकदम खंडन कर दे रहा, इसको मार डालेंगे, ऐसा किया। तो रामानुजाचार्य जो उसका बाद वेदांत किया, वेदांत पाठ किया, पढ़ने से क्या होगा, वो मायावादी व्याख्या करता था और रामानुजाचार्य का मायावादी विचार नहीं है। तो गुरु जी ने बड़ा चिंतित हो गया, बोले ये लड़का तो बड़ा अजीब लड़का है, हमारा सम्मान तो एकदम पानी में जाएगा, बड़ा विद्वान है। तो ये रामानुजाचार्य जो किसी पितात्ता ने बोला, ये रामानुजाचार्य जो कौन था, बोले रामानुजाचार्य जो पहले जन्म में गोसाप जानते हो, गोसाप नहीं देखा, गोसाप मतलब कुमिर का, जैसे कोकोडाइल है ना, कुमिर जैसा, चार पा है, मुख कुमिर का मापिक छोटा है, वो सांप है, वो कुमिर नहीं है। वो जब बाढ़ आ जाए ना, जब पानी भर जाए हारो, तो हमने देखा है वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, वो सांप है, गो सांप। तो ये जो है, ये पितात्ता ने बोला कि ये जो रामानुज, भले ये जो है ये जादवाचार्य जो, ये जादवाचार्य जो है ये पहला जन्म में गोसाप था, क्यों इस बात को उठाए, वो गोसाप था तो फिर इस जन्म में ब्राह्मण कैसे हुआ। भले पहले गोसाप था, इसी जन्म का पहले जन्म गोसाप, और किसी वैष्णवों ने प्रसाद पाके फेंक दिया था, और किसी भी हालत से घूमते घूमते वो पत्तल को चाट लिया और वैष्णवों का वो जो झूठन खाया, बस नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में वो ब्राह्मण जो नहीं पाए। कैसा वैष्णव का प्रसाद का महिमा है। तो बोले उच्छिष्टो लेपानुमोदितो द्विजोई, अनुमोदितो द्विजोई, उच्छिष्ट आदि वैष्णव, ए बच्चा जा ये प्रसाद को खा ले, इसलिए बोला उच्छिष्टो लेपानुमोदितो अनुमोदितो द्विजोई। ब्राह्मण वैष्णव जो था वो अनुमोदन किया, जा बच्चा खा ले, खा ले, ऐसा। और मैंने उच्छिष्टो लेपानुमोदितो द्विजोई स्वकित स्म भुंजे तदपास्तु किलविषः, भले इसका उच्छिष्ट खाने का साथ साथ तुरंत पल भर में हमारा हृदय निर्मल हो गया। शुद्ध गुरु वैष्णव का अगर झूठन खाओ तो हृदय में अगर काम है तो सफा हो जाएगा। कथा सुनो उच्छिष्टो ये ऐसा है कि उच्छिष्टो लेपानुमोदितो द्विजोई सकित स्म भुंजे तदपास्त किलविषः, हमारे हृदय का सारे कालिमा, हमारा हृदय का जितना सारे पाप है, कलमश है, सारे मिट गया। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः सद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, ऐसा संत महात्मा का उच्छिष्ट आदि अनुलेपन व्यवहार करते करते प्रसादी सब मिले और करते करते एवं प्रवृत्तस्य, ऐसा एवं प्रवृत्तस्य, ऐसा करते करते एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः स्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, हमारा भागवत धर्म में रुचि हो गया। भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म, भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म, भागवत धर्म मतलब आत्मधर्म, नित्य धर्म, वैष्णव धर्म, इसी में मेरा लगन लग गया, क्योंकि वो महात्मा लोग तो इसी में रुचि रखने वाले थे। अब उसका उच्छिष्ट खाया, उन्लेपन चंदन माला आदि हमने भी ले लिया, ऐसा करते करते हमारा भी दिल में उसी वस्तु के लिए जो चाहत है, जो अट्रैक्शन है, जो हम हमारा अंदर में रुचि पैदा हो गया, यही धर्म हम पालन करेंगे। एवं प्रवृत्त विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, हमारा रुचि हो गया। ऐसा करते करते हम संक्षेप में बताएं, बहुत सारे चीज वर्णन का है। फिर नारद जी कहे कि महाराज हम क्या करें, ऋषि मुनि ऋषि ने चला गया, बड़ा उदास हो गया, आहा बड़ा अच्छा था, संत महात्मा लोग इधर रह के संकीर्तन करता था, बड़ा महिमा है, साधु महात्मा कई यागार रहे उसका महिमा बहुत है, और चला गया तो बड़ा उदास हो गया। और एक दफे हमारा मैया ने गोदहन के लिए दूसरे का घर में गया, किसी जगह नौकरी करती थी, और रात रात का, वो तो अभी सुबह नहीं हुआ,
अरुणोदय के पहले अंधेरा ही, और जाने के टाइम में एक सांप ने हमारा माताजी को डांस दी। जाने का टाइम गोदहन के लिए जा रही थी और एक सांप ने डांस दी, और डांसने के बाद मैया उधर मौत के गद्दी में ढल गई। और सुबह में हल्ला चिल्ला हुआ, उसका माताजी मर गए बच्चा का। हम तो थे बच्चा, लेकिन हमारा मन में बड़ा आनंद हुआ। आनंद हुआ मैया मर गया, आनंद हुआ। बोले इसलिए आनंद हुआ कि मैया मेरा एकमात्र बंधन थी। ए कहां जा रहा है, इधर आ, इतना प्यार करती थी वो, मेरा लिए एक बंधन है। कोई एकदम बिल्कुल छोड़ती नहीं थी। वह कहां जा रहा है, और मैया चली गई तो हमने ये सोचा ठाकुर जी का कृपा ही है। हमारा जो शेष बंधन है, हमारा जो शेष बंधन है, शेष बंधन हमारा टूट गया, ठाकुर जी का कृपा है। और इतना ये बच्चा चार महीना संत महात्मा का संग किया, और साधु संग किया तो उसका अंदर में कोई माया मोह स्पर्श नहीं कर पाया। नहीं तो कौन बच्चा है देखा हो, 4 साल की उम्र में मैया मर गई तो आनंद से हैं, कोई दिखा वे क्यों, ये बच्चा क्यों हुआ। बोले ये बच्चा वास्तव साधु संग किया, ये बच्चा जो है वास्तव साधु संग किया, जब ही ऐसा भाव उसका अंदर में प्रकट हो गया। तो ये मैया मर गई और बच्चा का बड़ा प्रसन्न, बच्चा का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कोई बोलने वाला नहीं है, अब हमारा जिंदगी में कोई रोक टोक नहीं है। अब चलो मैया तो रोकती है ना, मैया पिता घरवारे, हमको भी कैसा छूटना पड़ा घर से, बड़ा हंसी लगेगा ये सब बोलने से, अब दुख भी आएगा कैसे भागा हम पिता माता को छोड़ के। ऐसा नहीं करो तो छोड़ेंगे नहीं ना, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। रोते रोते पिताजी मर ही गया, हम ठीक है चलो क्या करे, ठाकुर जी को भजन करना चाहिए ना। तो ऐसा है को ये जो है हमारा अभी बंधन छूट गया, तो हम क्या किया, अब हम बच्चा तो था ही, अब हम बोले ठीक है संत महात्मा उत्तर दिशा में चल पड़े, तो हम बोला हम भी चलते रहे। कहां जाए, देश का कोई ज्ञान नहीं, काल का कोई ज्ञान नहीं, डायरेक्शन का कौन सी दिशा जाए, कहां पहुंचे, इसको ज्ञान है। 4-5 साल की लड़का बोले कुछ नहीं है, ठाकुर जी तो है ही है, वो चलना शुरू कर दिए। चलते 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 बहु देश गांव जो है खेत खरवाट सब पार करके, उद्यान बागान जंगल पार करके, अब बड़ा क्लांत हो गया, शांत हो गया। एक बच्चा इतना चले तो क्लांत तो जरूर होगा। और करते करते एक जलाशय मिला, सुंदर पवित्र जलाशय। अच्छा प्यास भी लगा हो, प्यास लगा तो हम एक काम करें, यहाँ प्यास बुझा ले और थोड़ा नादवा कर ले, आचमन किया। और एक पीपल का वृक्ष था, और उसके बाद पानी थोड़ा पान किया, जलपान की, जलपान की सब कुछ करके, फिर वो जो है आपका वो जो पीपल का पेड़, और पीपल का पेड़ का नीचे बैठ गया ऐसा करके, जैसा मैया बैठी है, पीछे कोई गद्दी रहे तो अच्छा लगे, ऐसा बैठ गए। ऐसा है वो बैठ के क्या किया, हमने आंखें मूंद लिया, आंखें मूंद के चिंतन किया, कैसा सुंदर था संत महात्मा, कैसा सत्संग हुआ था मेरा जिंदगी में। ऐसा विचार करते करते अचानक थोड़ा सा नींद जैसा, नींद ठीक नहीं है, जैसा थोड़ा सा आ गया। इतने में देखा ठाकुर जी हृदय में आके बिजली जैसा चप आया, और झट से आया, बिजली जैसा चौंकता है, झट से आया झट से गया। हमने आंखें खोला, अरे कहां से देखा ऐसा विद्युत बिजली का माफिक, झट से आया झट से गया। और ठाकुर जी को दर्शन फिर से करने के लिए फिर आंखें मुदा मुद के दर्शन करने का कोशिश किया, लेकिन और मेरा प्रचेष्टा से, मेरा प्रयास प्रचेष्टा से कोई फल नहीं हुआ। क्योंकि ये ठाकुर जी का एक मजा था, ठाकुर जी का एक मजा था, ठाकुर जी मजा को चखाने के लिए कभी कभी एक पल भर के लिए, एक बार भी लपक छपक थोड़ा सा दर्शन देते। ऐसा बहुत महात्मा का जिंदगी में हुआ। तो ऐसा है, तो उसके बाद क्या हुआ, भले धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा
दर्शन तो और नहीं हुआ, हम रोना शुरू कर दिया, कैसा है ऐसा, हमारा दर्शन नहीं हुआ। तो दर्शन जब नहीं हुआ, हम रोना शुरू कर दिया, ऊपर से आकाशवाणी हुआ, ऊपर से आकाशवाणी हुआ, बेटा इस जन्म में और तुम्हारा दर्शन संभव नहीं। ठाकुर जी आकाशवाणी हुआ ऊपर से, जब रो फुट फुट के रोना शुरू कर दिया तो ऊपर से आकाशवाणी, ए जो देखा तो देखा और दर्शन नहीं होगा, इस जन्म में दर्शन होना संभव नहीं है, हैं। और लिखा हुआ है ऐसा, आंखें मुद के कैसा धन कर रहा था, विचार कर रहा था, इधर लिखवा लिखा हुआ है, धायतोस चरणाम भोजम भावो निर्जित चेतसा उत्कंठाश्रु उत्कंठाश्रु कलाक्ष हृदासित में सनई हरि। हृदासित हृदय में, हृदय में आसित आ गया था ठाकुर जी पल भर के लिए, ऐसे जैसे आंखें मुदे छट छट इस टाइम, इतना कम समय के लिए। और प्रेमाति निर्भर प्रेमा बोलते प्रेमाति भरो निर्भिन्नो, प्रेमाति भरो निर्भिन्नो पुलकांगो अति निवृत आनंद संग, आनंद संग प्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुनि। ये जगत और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा भाव के द्वारा ऐसा हो गया मेरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा अवस्था हो गया था। उसके बाद आकाश, जब हम रोना शुरू कर दिए तो आकाशवाणी हुआ, हंत्यास्मिन जन्मनि भवान मां माम दृष्टुम मिहारहति, और इस जन्म में जितना भी चेष्टा करो दर्शन नहीं होगा। अभिपक क्यों बोले, अभिपक कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम, ध्यान से सुनना इस शब्दों का व्याख्या के बाद हम छोड़ेंगे। बोले अभिपक कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम, अभिपक को जो भजन करते करते आपका हृदय पक्का नहीं हुआ, भजन करते करते पक्का अवस्था में जाए ना, ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारा पक्का अवस्था होना चाहिए। जैसे चावल का रसोई करो, चावल रसोई करने के लिए पानी में दे दिया और चावल देखोगे उठा के ऐसा देखते हो चावल हुआ कि नहीं, बना कि नहीं, तो चावल अगर नहीं बना तो फिर से डाल दे तो है, और चावल हुआ नहीं और 10 मिनट लगे चावल हो जाएगा पूरा। अभी ये जो अभिपक्क कसायनम, इसका अर्थ है भजन के द्वारा, आपका भजन के द्वारा धीरे धीरे हृदय में जो काम कलमश है, हृदय में जो अज्ञान का थोड़ा बहुत स्पर्श है, वो जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक ठाकुर जी का दर्शन संभव नहीं। इससे बोले अभिपक्क कसायानम, अभिपक्क अभी पक्का नहीं हुआ, भजन करते करते गुरुचरण आश्रय करके भजन करते करते पक्का अवस्था हो जाए, और हृदय में जो कसाई है, कसाई मतलब कसाई का उदाहरण दे दे, जैसे बहुत दिन से एक आदमी चाय बनाने का एक पात्र है, पिछले 2 साल से चाय बनाते बनाते वो पत्थर का वो जो पात्र है उसमें कालापन आ गया। बोले काला क्यों, बोले पिछले 2 साल से हम चाय बनाते रहे, उसका काई काई है ना लग गया, कसाई उसको बोलता है। तो अगर तुम्हारा हृदय से काम चला गया, ये लगता है कि हमारा दिल से काम चला गया, विषय चला गया, लेकिन सही ढंग से विचार करके देखो तो अभी तक काम नहीं गया, काम का जो कसाई है काई है अभी लगा हुआ है, काम कसाय इसको बोलता है। ऐसा ही है अभिपक्क कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम, कुजोगी जो सही ढंग से योग अर्थात भक्ति योग ज्ञान योग ध्यान योग जो भी करो, कुजोगी अर्थात सही ढंग से नहीं किया, अर्थात सदगुरु वैष्णव का अनुगत्य में वास्तव अनुगत्य में नहीं किया तो उसको कुजोगी माना जाता है। कुजोगी भजन तो किया लेकिन कुजोगी है, कुजोगी मतलब वो अनुगत्य नहीं किया, इसलिए बोला अभिपक्क कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम। ठाकुर जी बोले हम दुर्दर्श हमको देखा नहीं जाता है,
जिसका हृदय में काम कसाई है, कुजोगी है, गुरु वैष्णव का चरण आश्रय नहीं किया और आश्रय भी किया तो वास्तव अनुगत नहीं किया, ऐसा जो अवस्था है इस समय हम दर्शन देना हमारा संभव नहीं। एक उदाहरण दे दे, ध्रुव महाराज जी जब भजन शुरू किए, प्रसंग आए, ध्रुव महाराज जी जब भजन शुरू किए, ठाकुर जी उधर नारद जी के बोले, नारद जल्दी जाओ, कहाँ जाए, बोले वहां ध्रुव 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 निधुवन मधुवन में भजन शुरू किए, क्यों जाए, बोले हमको दर्शन के, हम उसको दर्शन के लिए जाए लेकिन संभव नहीं क्योंकि उसका गुरुचरण अश्रणी, समझा मेरा बात, प्रमाण। ठाकुर जी का खुद का कहना है, नारद तुम जल्दी जाओ, हम तो उसको दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए जा नहीं सकता क्योंकि उसका गुरुचरण आश्रय नहीं हुआ, तुम गुरु का काम करो। आई बात समझ में, जब तक गुरुचरण आश्रय ना हो तो भजन फल नहीं देगा, वास्तव गुरु चाहिए। तो ठाकुर जी पहले नारद को भेज दिया, नारद को नहीं, वो ठाकुर जी स्वयं है भक्ति, भक्ति 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 का आचार्य है नारद जी, भक्ति का आवेश अवतार नारद जी है। तो नारद जी आगे जाकर जब ध्रुव महाराज जी को दीक्षा दी तब ठाकुर जी आए, तो समझा मेरा बात। तो नारद जी को, ये जो नारद जी अपना कहानी इधर बोल रहे हैं कि इधर भी अभिभक्त कसायानम दुर्दर्श अहम कुजोगिनम, ठाकुर जी उसका दर्शन का विषय नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और इसके बाद जो व्याख्या है वो शाम तक हो पाएगा, शाम को बैठे जल्दी आओ और उस टाइम पे हो सकेगा। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पापनाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम वांछा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।